आज हम लोगों ने विचार किया है कि हमारा जो कोरोना से इस इलाज के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, क्लास फोर का स्टाफ है, एम्बुलेंस का स्टाफ है या टेस्टिंग लैब का स्टाफ है, एक घोषणा अभी हम बैठे बैठे ही विचार करके फाइनल फैसला किया है हमारे होम मिनिस्टर, हमारे स्वास्थ्य मंत्री के साथ, कि जब तक ये कोरोना इसका पीरियड चलेगा तब तक ये सारा स्टाफ जो सीधा सीधा कोरोना के पीड़ित मरीजों की कोविड की एक इलाज में लगे हैं या उनके संभालने में लगे हैं, इनकी सैलरी अब डबल रहेगी, ताकि हमारे अपने समय भी इस बात का हमको एक संतोष हो सके कि हमारी सैलरी डबल होगी। एक्स ग्रेशिया के नाते जो बातें पहले बताई गई हैं उनको मैं फिर दोहरा देता हूं कि जो लोग केंद्र की स्कीम 50 लाख रुपए की है उसमें नहीं आएंगे, ऐसे सब लोगों को भी हम अपनी स्कीम में कवर करेंगे। डॉक्टर्स के लिए 50 लाख, नर्सेज के लिए 30 लाख, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 20 लाख, क्लास फोर के लिए 10 लाख। तो इस प्रकार से हमने उस एक्स ग्रेशिया को, वैसे तो मुझे लगता है कि सारा स्टाफ केंद्र की स्कीम में आएगा ही, फिर भी कोई अगर उसमें बंधन होगा या कोई इस प्रकार की कोई ऐसे पैरामीटर्स होंगे जिसमें वो नहीं आता है, तो हम प्रदेश की ओर से ये सारी व्यवस्थाएं करेंगे।